और बहनों, मराठी में इसको बोलते हैं कोरडू की भाजी। वो कोरडू की भाजी या कोरडू की सब्जी कैसी होती है? वो जंगलों में मिलती है या पहाड़ियों में मिलती है? ये देखो पहाड़ियाँ, ये देखो ये बारिश के दिन उगता है, ये पावसाच्या दिवसात हे उगतात। कशी भाजी असते किंवा कैसा सब्जी होती है वो मैं दिखा देता हूँ। ये लाल पन्ने का होता है, ये देखो। अभी मैं अकेला हूँ इसलिए बारिश भी आ रहा है मोबाइल। ये देखो, ये होती है, लाल पन्ने का होता है। और ये मैंने, ये देखो भूरा भर के लिया है, घर के लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिखा देता हूँ। अभी ऐसे कई तरह की सब्जियां हैं ये पहाड़ियों में। ये जो पहाड़ियां हैं या डोंगरावरती भाजा वेगवेगळे प्रकारच्या मिळतात। ओके, पहाड़ियों में बहुत, जब बारिश होता है तो बहुत सारी सब्जियां मिलती है। अब जब पाऊस पडल्यानंतर खूप साऱ्या भाज्या मिळतात। ही पण भाजी आहे, हिचं नाव मला माहित नाही। ही सब्जी है, ये जो सब्जी है ये भी सब्जी है। ये एक ही जगह उगते हैं, ये देखो एक ही जगह लगते हैं। इसके छोटे छोटे पन्ने होते हैं ना, पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, ये ऐसे वाले पत्ते, ये जो ऐसे वाले पत्ते हैं वो निकालना है। इसकी भी सब्जी होती है, बनती है। ये देखो, ये एक ही जगह उगता है, देखो। और मैं आप लोगों को बहुत सारी सब्जी बताऊंगा, जैसा कि पातरी जी भाजी। पातरी जी भाजी मीन्स इट, वो क्या है, रॉक, इसके रॉक्स होता है, पत्थर के पास ज़्यादा उगता है वो। वो इधर नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ये अभी भी, ये भी कोरडू की भाजी है, ये देखो। अभी मैंने ये पूरा निकाला है, देखो। और सारी सब्जियां मैं दिखा देता हूँ। ये पत्थर होता है, पत्थर के पास ही होती है वो पातरी जी भाजी। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, इधर है नहीं, लेकिन ये भी सब्जी खाते हैं, ये भी सब्जी खाते हैं। इसका जो पतला पतला पत्ता होता है उसका खाते है। ये देखो, मैं जब ये निकाला तब बारिश बहुत आ रहा था इसलिए वीडियो नहीं निकाल पाया। नहीं, निकालते समय पूरा सारा चीज दिखा देना था आप लोगों को, समझ में आया। इधर सारी, बहुत सारी है, ये देखो। इन पहाड़ियों में या इस खेत में बहुत सारी सब्जियां मिलती है, समझ में आया। ये देखो, ये कोरडू की भाजी है, ये कोरडू की भाजी। ये छोटा पत्ता है यार, ये बड़ा हो जाएगा। बहुत सारी सब्जी है, ये देखो। ये भी कई तरह की सब्जी है, ये देखो। इसका छोटा छोटा पत्ता, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, जैसे नाम वाला माहित नहीं, पर खूब। अभी ये देखो, ये देखो, ये कोरडू की भाजी, ये कोरडू की भाजी। ये देखो, ये पत्ता जो लाल लाल होता है वो कोरडू की भाजी होती है। ये देखो, ये पूरा कोरडू की भाजी। मैं निकाल देता हूँ, और ये रख देता हूँ। अब ये मैंने पूरा ले लिया, इसका बनाएंगे सब्जी, फर्स्ट क्लास खाएंगे। ये देखो, ये देखो। और बारिश आ रहा है, बहुत सारा बारिश आ रहा है। अभी ये मोबाइल भीग रहा है। तो भाई और बहनों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारी सब्जी दिखाऊंगा मैं, जैसा कि भारंग और बहुत सारी है, शेंडवेल। ओके, बाय बाय। ये सब्जी अभी क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, छोटा छोटा काटेंगे और इसको बनाएंगे। अभी बनाने का टाइम नहीं है, मैं अब चला जाऊंगा ड्यूटी पे। और ये छोटा छोटा काटना है, ये छोटा छोटा काटना है, ये जो छोटा छोटा काटना है बिल्कुल पतला पतला काटना है। मैंने धो लिया है इसको, फर्स्ट क्लास। ये देखो, फर्स्ट क्लास इसको धोया मैंने। ओके, ये इसका सिर्फ पत्ता पत्ता लेना है। ये देखो, ये मैंने निकाला, सिर्फ पत्ता पत्ता लेना है ऐसा, समझ में। और इसलिए मैं बता देता हूँ कैसा बनाना है, अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे। इसको छोटा छोटा पतला पतला काटना है, और इसको अपना एक ऑनियन या प्याज, एक प्याज डालो, ग्रीन चिल्ली, हाँ, हिरवी मिर्ची मराठी में बोलते हैं, हाँ, और नमक, तेल डालो, और जो ग्रीन चिली पाउडर मसाला, ये जो मसाला होता है, चटनी, लहसुन चटनी, वो जो वो तो लहसुन चटनी है वो डालना है।
और उसको बहुत देर तक पकाना है, इसको कम से कम 20 मिनट तक पकाना है, तब वो अच्छा लगता है। समझ में आया? मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग। देखो अभी हमने प्याज डाल दिया, लहसुन डालेंगे बाद में। और बहनों, मराठी में इसको बोलते हैं कोरडू की भाजी। वो कोरडू की भाजी या कोरडू की सब्जी कैसी होती है, वो जंगलों में मिलती है या पहाड़ियों में मिलती है? ये देखो पहाड़ियाँ है, ये देखो ये बारिश के दिन उगता है, ये पावसाच्या दिवसात ही उगता। कशी भाजी असते किंवा कैसा सब्जी होती है वो मैं दिखा देता हूँ। ये लाल पन्ने का होता है, ये देखो। अभी मैं अकेला हूँ इसलिए बारिश भी आ रहा है मोबाइल। ये देखो ये होती है लाल पन्ने का होता है, और ये मैंने ये देखो भूरा भर के लिया है घर के लिए। ये देखो ये देखो दिखा देता हूँ। अभी ऐसे कई तरह की सब्जियां हैं ये पहाड़ियों में। ये जो पहाड़ियां हैं या डोंगरावरती भाजा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिळतात। ओके, पहाड़ियों में बहुत जब बारिश होता है तब बहुत सारी सब्जियां मिलती है। अब जब पाऊस पडल्यानंतर खूप साऱ्या भाज्या मिळतात। ही पण भाजी आहे, हिचं नाव मला माहित नाही। ही सब्जी है, ये जो सब्जी है ये भी सब्जी है। ये एक ही जगह उगते हैं, ये देखो एक ही जगह लगते हैं। इसके छोटे छोटे पन्ने होते हैं ना, पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, ये ऐसे वाले पत्ते, ये जो ऐसे वाले पत्ते हैं वो निकालना है। इसकी भी सब्जी होती है, बनती है। ये देखो ये एक ही जगह उगता है, देखो। और मैं आप लोगों को बहुत सारी सब्जी बताऊंगा, जैसा कि पातरीजी भाजी मीन्स इट, वो क्या है, रॉक, इसके रॉक्स होता है, पत्थर के पास ज़्यादा उगता है वो इधर नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ये अभी भी, ये भी कुरडू की भाजी है, ये देखो अभी मैंने ये पूरा निकाला है। देखो और सारी सब्जियां मैं दिखा देता हूँ। ये पत्थर होता है, पत्थर के पास ही होती है वो पातरीजी भाजी, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इधर है नहीं लेकिन ये भी सब्जी खाते हैं। इसका जो पतला पतला पत्ता होता है उसका खाते हैं। ये देखो मैं जब ये निकाला तब बारिश बहुत आ रहा था इसलिए वीडियो नहीं निकाल पाया। नहीं, निकालते समय पूरा सारा चीज दिखा देना था आप लोगों को। समझ में आया? इधर सारी बहुत सारी है, ये देखो इन पहाड़ियों में या इस खेत में बहुत सारी सब्जियां मिलती है। समझ में? ये देखो ये कुरडू की भाजी है, ये कुरडू की भाजी है। ये छोटा पत्ता है यार, ये बड़ा हो जाएगा। बहुत सारी सब्जियां हैं, ये देखो ये भी कई तरह की सब्जी है। ये देखो इसका छोटा छोटा पत्ता, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, जैसे नाम वाला माहित नहीं पर खूब। अभी ये देखो ये कुरडू की भाजी, ये कुरडू की भाजी। ये देखो ये पत्ता जो लाल लाल होता है वो कुरडू की भाजी होती है। ये देखो ये पूरा कुरडू की भाजी, मैं निकाल देता हूँ। और ये रख देता हूँ। अब ये मैंने पूरा ले लिया, इसका बनाएंगे सब्जी फर्स्ट क्लास खाएंगे। ये देखो और ओके, बारिश आ रहा है, बहुत सारा बारिश आ रहा है। अभी ये मोबाइल भीग रहा है। तो भाई और बहनों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारी सब्जियां दिखाऊंगा मैं, जैसा कि भारंग और बहुत सारी है, शेंडवेल। ओके बाय बाय। ये सब्जी अभी क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, छोटा छोटा काटेंगे और इसको बनाएंगे। अभी बनाने का टाइम नहीं है, मैं अब चला जाऊंगा ड्यूटी पे। और ये छोटा छोटा काटना है, ये छोटा छोटा काटना है, ये जो छोटा छोटा काटना है बिल्कुल पतला पतला काटना है। मैंने धो लिया इसको फर्स्ट क्लास, ये देखो फर्स्ट क्लास इसको धोया मैंने। ओके, ये इसका सिर्फ पत्ता पत्ता लेना है। ये देखो ये मैंने निकाला, सिर्फ पत्ता पत्ता लेना है ऐसा। समझ में आया? और इसलिए मैं बता देता हूँ कैसा बनाना है, अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे। इसको छोटा छोटा पतला पतला काटना है और इसको अपना
एक ऑनियन या प्याज, एक प्याज डालो, ग्रीन चिल्ली, हाँ हरी मिर्ची मराठी में बोलते हैं, हाँ, और नमक, तेल तेल डालो, और जो ग्रीन चिली पाउडर मसाला, ये जो मसाला होता है चटनी, लहसुन चटनी, वो जो लहसुन चटनी है वो डालना है, और उसको बहुत देर तक पकाना है, इसको कम से कम 20 मिनट तक पकाना है, तब वो अच्छा लगता है। तो मैं, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग। हरी मिर्च डाल दिया, प्याज ब्राउन होने तक उसको पकाना है। लहसुन डाल दिया, इसको छोटा छोटा काटेंगे हम, ये देखो कैसे कैसे काटते हैं, देखो पतला पतला काटेंगे, बिल्कुल पतला। बिल्कुल पतला पतला काटेंगे और इसको पकाना है 20-25 मिनट तक, तभी अच्छा लगता है। ये और छोटा छोटा पतला पतला काटेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो जो चटनी है, कोल्हापुरी चटनी है, वो डालेंगे, तभी मज़ा आता है। कोल्हापुरी जो चटनी है, लहसुन चटनी, वो अगर डालेंगे तभी मज़ा आता है कुरडू की भाजी में, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। ये देखो पूरा पक जाएगा, अभी पूरा 20 मिनट तक पकाना है इसको। डाल दिया ये लहसुन चटनी है, और नमक डालना है, आधा स्पून हो गया। इसको 20 मिनट तक पकाना है, ओके, और उसके बाद खाना है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।